है ट्रैवर्स, फाइनली हम दीनापुर आ गए हैं। ये बाबूलाल का पीछे घर है, आज इसकी सिस्टर की शादी है, तो हम इसकी सिस्टर की शादी इंजॉय करने आए। ये पूरा टेंट वेंट लगा हुआ है भाई लोग, ये लास्ट कंपनी के मेरे कलीग है और ये दिल्ली से ही आए, ये बाय ट्रेन आ गए थे। और हम तो जानते ही, हम लोग राइडर है तो राइड करते हुए आते हैं, तो हम तो टशन वाले हैं, थोड़ा थ्रिल चाहिए हमारे, तो हम थ्रिल करते हुए आए। तो अभी हम शादी में आए, शादी इंजॉय करेंगे, पार्टी शार्टी होगी, देन उसके बाद यहाँ धमाल होता है, धमाल। सो गाइस, मैं एक एक करके अपने फ्रेंड्स से आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, इंट्रोड्यूस करिए अपने। हाय, आई एम विनय मिश्रा और बेसिकली आई एम फ्रॉम यूपी प्रयागराज। मैं यहाँ अपने दोस्त की शादी अटेंड करने आया हूँ और राजस्थान, ये राजस्थान में चुरू डिस्ट्रिक्ट है, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और बाकी बहुत अच्छा यहाँ की सर्विसेज और लोग। आप कैसे आए हैं बताइए हमारे व्यूअर को। बेसिकली मैं आया हूँ ट्रेन से, आया हूँ कैब हमारी यहाँ से ऑलरेडी मेरे फ्रेंड ने बुक कर रखी थी, तो वो वहाँ कैब आई और कैब से हमें लेकर आई है और ग्रेट फन, मजा आया हमें। जो हमने कल की पार्टी मिस करी है उसका, उसके बारे में क्या कह सकते हो आप? आपने कल की जो पार्टी मिस करी है ना, मतलब लाइफ की बहुत बड़ी चीज आपने मिस कर दी है। जो हमने पूरी रात डांस किया, इतना एंजॉय किया, और मेरे ख्याल से वो नेक्स्ट टाइम आपको कभी ऐसा मतलब आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन आज आप आए हैं लेकिन तब भी आप इंजॉय करेंगे और डेफिनेटली इट्स ए वेरी ग्रेट फन यू गेट अचीव्ड एंड डेफिनेटली। और अरे यहाँ पे ना मुझे राजस्थानी कल्चर के बारे में और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी के बारे में बहुत सही लगा, क्योंकि जैसे हमने राजस्थान एंटर किया था ना, हमारे हाथ में चाय पकड़ा दी जा रही थी। बिल्कुल, यहाँ के लोग इतने, अरे आप तो यहाँ पे राजस्थान में बहुत दिनों से रह रहे हो। मैं तो काफी टाइम रहा हूँ, मुझे ये सेखावटी एरिया मेरा मतलब काफी जानता है, मैं इधर झुंझुनू चुरू या सीकर है, रतनगढ़, यहाँ मेरा मैं काफी टाइम रहा भी हूँ और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और लोग बहुत इतना आपको मतलब इतनी गाइस लिटरली, जैसे आपने सुबह मॉर्निंग में देखा ही होगा जो बाइक हमारी खराब हुई थी, उन बंदों ने हमारी ऐसी हेल्प करी, चाय ऑफर किया, खाने के लिए ऑफर किया और साथ में हमारे साथ खड़े रहे। साथ में हमें कुछ कहीं जाना था तो हमें अपनी बाइक में बैठा के छोड़ आते थे, लेके आते थे और इवन हमारा सामान कैरी किया है। तो ऐसी हॉस्पिटैलिटी है, तो एक बार आप भी आइए, राजस्थान आइए, इनको अपने हॉस्पिटैलिटी का मौका दीजिए और सेवा का मौका दीजिए। बिल्कुल, राजस्थान के लोग बहुत अच्छे हैं। तो चलो आप, अभी हम शादी एंजॉय करते हैं, फिर आपको यहाँ की धमाल दिखाते रहते हैं। एक बाबू बाबू। सो गाइस, मैं फाइनली आपको बाबूलाल से मिलाता हूँ, जिसकी शादी में और उसकी सिस्टर की मैरिज में हम आए हैं। तो बाबूलाल के दर्शन कीजिए आप। इनका आपने उत्तराखंड ब्लॉग में देखा ही होगा, मेरे पिलियन राइडर थे जिन्होंने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया था। तो बाबूलाल कैसा लग रहा है आपको, कैसी फीलिंग आ रही है? फीलिंग अच्छी है, देखते हैं अब कल के बाद तो घर बस जाएगा, तो आप लोगों के साथ रेडी फॉर फाइट कल होना ही पड़ेगा क्या? सो गाइस, दीनापुर के बच्चे से आपको मिलाता हूँ, जो छोटे छोटे बच्चे मन के सच्चे। छोटे, तुम्हारा नाम क्या है? क्या करते हो, कौन सी क्लास में हो? सेवन्थ क्लास में हो। अच्छा, पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है, कि घुमाई चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है। बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? गौरीशंकर शर्मा। जोर से बोलो, गौरीशंकर शर्मा। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? छह क्लास हो। पढ़ते हो हैं, ढंग से पढ़ते हो, अच्छी बात है। तुम बताओ? सुमित। सुमित कौन सी क्लास में हो? सेवन्थ में हो, लगते नहीं हो यार। तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम भूल गए हो, लॉकडाउन का सर लग रहा है। तुम्हारा क्या नाम है भाई? अभिनव। कौन सी क्लास में हो? आठवीं में। स्कूल का नाम क्या है? अरे थोड़ा घुस लो भाई यार, कैसे उदास हो तुम? खाना वाना नहीं खाया क्या? खाना वाना नहीं मिला क्या? चलो खाना खिला तुम्हें, चलो चलो खाना खिला। घर में प्रवेश करने से पहले तोरण मारता है, तोरण मारने का मतलब कि वो आज से इस गांव का, इस घर का मेहमान हो चुका है, यही है मुख्य चीज। तो सर ये क्या बता रहे थे हमें, बताओ तो थोड़ा झाड़ी। ये कह रहे हैं कि जो झाड़ है इसे उससे क्यों आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, उसको काटने के बाद वो इस गाँव का, इस फैमिली का मेम्बर है। अच्छा, झाड़ी। हाँ, इस गांव और फैमिली का मेंबर है, तो इसके लिए रखा गया है। ठीक है, इट इज नॉट कन्विंसिंग बट वी नीड टू इन्वेस्टिगेट फर्दर।